फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल दी नास्त्रदमस को भला कौन नहीं जानता। सन 1503 से 1566 के दौरान 63 वर्ष तक जीवित रहे नास्त्रदमस ने अपनी पुस्तक प्रोफेसीज में ऐसी अनेक भविष्यवाणियां की हैं जो 21वीं सदी में सच सिद्ध हो रही हैं। इन्हीं नास्त्रदमस की भविष्यवाणी पर भरोसा करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र दो बार ही नहीं बल्कि देश में आगे कई वर्षों तक लगातार सरकार बनाते रहेंगे और चुनाव जीतकर शासन करते रहेंगे। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जिनकी बदौलत देश की जनता उन्हें सालों साल तक प्रेम और स्नेह देगी और वह अगले कई वर्षों तक देश के पीएम बने रहेंगे। तो मतलब हमारे मोदी जी की तो लॉटरी लग गई। मुझे बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। ये फकीरी है। तो आखिर क्यों माइकल दी नास्त्रदमस की इतनी सारी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती हैं और आखिर क्यों वो इतनी ज्यादा सटीक भविष्यवाणियां दे पाते हैं? और यही नहीं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं आने वाली नास्त्रदमस की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आपको चौंका देगी। मतलब हम नास्त्रदमस की भविष्यवाणी से लेके उनका पूरा फ्यूचर और आने वाला कल सब बताने वाले हैं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि सही में क्या नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां सच होती हैं या फिर लोग उनकी भविष्यवाणियों को उस वक्त की जो सिचुएशन चलती है उससे जोड़ के हमें उल्लू बनाते रहे। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। नास्त्रदमस ने अपने समय से काफी आगे की भविष्यवाणियां की थी जो कि सच साबित हुई हैं, जैसे कि अमेरिका में हुई 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले की भविष्यवाणी। और यहां तक कि कुछ लोगों का कहना है कि जो अभी से 2019 में कोरोना वायरस फैला था उसके बारे में नास्त्रदमस जी ने काफी सालों पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और ये तो कुछ भी नहीं, आगे आने वाली भविष्यवाणी सुन के तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। उनकी किताब द प्रोफेसीज 1555 में प्रकाशित हुई थी। द प्रोफेसीज के प्रकाशन के बाद ही नास्त्रदमस को पूरी दुनिया में पहचान मिली। आपको बता दें कि नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 3797 में दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म होने का मतलब इस पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं बचेगा, मानव सभ्यता पूरी तरह से मिट जाएगी। और यही नहीं, नास्त्रदमस द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 2021 के अंत समय तक दुनिया का मसीहा आगे बढ़ना चालू कर देगा और कुछ ही सालों के अंदर इस मसीहा के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। उसका नाम डी से शुरू हो सकता है और यह एशिया में ऐसे देश में आगे बढ़ना चालू करेगा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है और उसके धर्म का नाम समुद्र नाम पर होगा। तो भाई जो डी नाम से है, दुनिया का मसीहा सामने पनपने वाला है, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के अनुसार था। तो डी लेटर से कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि ड्रैकुला, और भी काफी ज्यादा नाम है और जिनका नाम डी से शुरू होता है। तो तुम खुद को दुनिया का मसीहा मत बताना वरना दुनिया बचाने निकलोगे और खुद ही मर जाओगे। खत्म। ये तो हो गई नास्त्रदमस जी की कुछ भविष्यवाणियां। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां हकीकत तो हैं और कुछ ऐसी आधी भविष्यवाणियां हैं जिसका मतलब लोगों ने गलत तरीके से पेश करके नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी के साथ में जोड़ के बताया था। लेकिन अब हम बात करते हैं उस मेन पॉइंट के बारे में कि आखिर एक शख्स कैसे 465 साल पहले इतनी सटीक भविष्यवाणियां कर देता था और उनकी भविष्यवाणी सच भी साबित हो जाती थी। और हम बात करेंगे क्या उनकी भविष्यवाणी में इतनी सत्यता थी या फिर हमें जो है अभी तक गुमराह किया जा रहा है। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि नास्त्रदमस जी कोई पेशेवर भविष्यवक्ता नहीं थे। पेशा तो उनका डॉक्टरी था, प्लेग सरीकी बीमारी से लोगों को बचाते थे, शिक्षक भी थे और साथ में कविताएं लिखने का शौक भी रखते थे। पर वो भविष्यवाणी की दुनिया में कैसे पहुंच गए? दरअसल उन्होंने जो कविताएं लिखी उनमें उनकी कुछ भविष्यवाणियां छिपी हैं। उनकी ज्यादातर कविताओं की सब अपने मन मुताबिक व्याख्या अनुवाद करते हैं जिन्हें भविष्यवाणी का रूप दे दिया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, द प्रोफेसीज इनकी बहुचर्चित किताब है। इसमें 950 भविष्यवाणी का उल्लेख किया गया है। इनकी अधिकांश भविष्यवाणियां इन्हीं कविताओं और कोड में छिपी हुई हैं। कहा जाता है कि नास्त्रदमस ने कम उम्र से ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी थी। जो कविताएं लिखते थे वो कविताओं को छंदों में पेश करते थे और कुछ कोड के द्वारा लोगों को बताते थे। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन वीडियो के लास्ट में। पॉइंट नंबर थर्ड, नास्त्रदमस जी जब भी कोई भविष्यवाणी करते थे वो भविष्यवाणी में ना ही एग्जैक्ट डेट बताते थे, ना ही वो कब घटना घटने वाली है उसका कोई सन या ईयर बताते थे, ना ही वो किसी भी शख्स को अगर टारगेट करते थे उसका नाम बताते थे और ना ही अगर कोई भविष्यवाणी महामारी को लेकर वो करते थे तो उस भविष्यवाणी का नाम तक वो लोगों को नहीं बताते थे।
थे। तो इसका सीधा मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनकी किताब में जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, वो भविष्यवाणी जब तक के वैलिड रहेंगी तब तक कि उनकी किताब की लास्ट भविष्यवाणी ना आ जाए। मतलब इसमें ना ही कोई सन रहेगा ना ही कोई ईयर रहेगा। जब भी कोई दुनिया में कुछ भी घटना होगी तो लोग अपने मन मुताबिक नास्त्रदमस जी का नाम लेके उन भविष्यवाणी को नास्त्रदमस जी की भविष्यवाणी करके लोगों को गुमराह करते रहेंगे। वेल, अब हम जानते हैं कि नास्त्रदमस जी ने छंदों में ही क्यों छुपाया था हमारा भविष्य। नास्त्रदमस की कोई भी भविष्यवाणी सीधी नहीं है, वो हमेशा इन्हें छंदों में व्यक्त करते थे। इसके पीछे भी एक कहानी है। उनकी ख्याति सुन, फ्रांस की एक महारानी कैथरीन ने अपने बच्चों का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की। नास्त्रदमस जी ये जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चे कम उम्र में ही भाई चल बसेंगे, लेकिन सच कहने का साहस नहीं जुटा पाए। तब उन्होंने अपनी कविताओं को छंदों में अपनी बात को कहा। इस तरह उन्होंने सच भी कह दिया और महारानी के मन में कोई ठेस भी नहीं पहुंची। तभी से नास्त्रदमस ने तय कर लिया कि वो अपनी भविष्यवाणी को छंदों में ही व्यक्त करेंगे। लेकिन रुक जाओ, ट्विस्ट अभी बाकी है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप यकीन कर लोगे कि नास्त्रदमस ने जो भी भविष्यवाणियां की है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच हो, क्योंकि नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणियां कोड में लिखी थी, लेकिन लोगों ने शायद कोड को क्रैक करते करते कुछ ऐसी गलतियां की जिससे पूरा की पूरा भविष्यवाणी का मतलब ही बदल जाता है। ऐसी एक नास्त्रदमस की भविष्यवाणी थी कि 2021 के जुलाई में ज़ॉम्बी बनेगा इंसान। एक रशियन वैज्ञानिक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन और वायरस विकसित करेगा जो इंसान को ज़ॉम्बीज बना देगा। इस तरह इंसान की जाति का सर्वनाश हो जाएगा। बायोलॉजिकल वेपन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। कोरोना वायरस से मच रही तबाही का उदाहरण हमारे सामने है। कई जानकार मानते हैं कि कोरोना वायरस को चीन के लैब में तैयार किया गया है और तबाही का हथियार बनाया गया है। नास्त्रदमस के मुताबिक इस बार रूस से विकसित किया गया एक नया वायरस इंसानों का सर्वनाश का कारण बनेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि 2021 का अंत निकट भी आ चुका है और जुलाई महीने को गए काफी ज्यादा महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारे सामने अभी भी किसी भी तरीके का ज़ॉम्बी वायरस या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की कोई भी न्यूज या फिर कोई भी बातें सामने निकल के नहीं आई हैं। और सोचने वाली बात तो यह है कि नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में ना ही ज़ॉम्बी वर्ड का कभी इस्तेमाल किया और ना ही उन्होंने इस तरीके से खतरे को इतना ज्यादा हाईलाइट करके बताया था, लेकिन लोगों ने उसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि ज़ॉम्बी वायरस 2021 में आ जाएगा जो कि अभी तक के नहीं आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि नास्त्रदमस जितनी भी अपनी भविष्यवाणियां करते थे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 100% सच हो, लेकिन लोग इसको नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के साथ जोड़कर इस तरीके से बताते कि लोगों को लगता है कि सही में नास्त्रदमस जी ने ये भविष्यवाणियां की हैं। और रही बात ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की, तो आने वाले समय में ऐसा पॉसिबल है क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा कुछ युद्ध स्तर के लिए बनाया जाएगा, उसमें ज़ॉम्बी वायरस विकसित हो सकता है। लेकिन 2021 में जो ज़ॉम्बी वायरस की बातें थी वो सरासर झूठी थी। अगर इतनी बात सुनने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी तो आपके लिए तालियां, और अगर अभी भी नहीं जली होगी तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हो जिससे आपको और थोड़ा बेहतर समझने में आ जाएगा। और जाते जाते आपको एक प्लस पॉइंट और बता के जाना चाहता हूँ कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है जब नास्त्रदमस जी अपनी भविष्यवाणियां लिखते थे उस वक्त वो बाइबल किताब का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे, कुरान किताब का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे, कुछ ऐसे ग्रंथों को वो पढ़ा करते थे जिनमें इस तरीके की बातें काफी ज्यादा स्पष्ट तरीके से लिखी होती थी, जिससे वो अपना शातिर दिमाग चला के इनकी जो है भविष्यवाणियां कर दिया करते थे। लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी हर भविष्यवाणियां सच हो। तो आप लोग जो इतने सारे वीडियो देखते हो जहां पे बताया जा रहा है कि कल ये होने वाला है परसों वो होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए बताया जाता है। और रही बात दुनिया के सर्वनाश की, वो तो एक दिन होके ही रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके कारण से हमारी प्राकृतिक हमारे साथ भी खिलवाड़ करेगी। अगर तुम इसको नास्त्रदमस की भविष्यवाणी मानते हो तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे ही दिमाग का एक पहलू होता है जिसे हम इतना हाईलाइट करके मानते हैं। तो वेल, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी कही बातें काफी ज्यादा समझ में आ चुकी होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो भाई उसके लिए मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। और जाते जाते मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखो, अगर आपको भी नास्त्रदमस से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां चाहिए तो कमेंट में नास्त्रदमस ओपी लिख के जरूर बताना। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट और किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।